सिटी ऑफ पावरलूम के नाम पे जाने जाने वाले मालेगांव में प्लास्टिक उद्योगों का पैमाना भी बढ़ गया है। यहाँ के प्लास्टिक उद्योग गैरकानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इन उद्योगों के कारण यहाँ पे बहुत सारी महाबीमारियाँ और बीमारियों का फैलाव हुआ है। मेरा रोज़मर्रा का मालेगांव में आना जाना होता है। बदबू फैलाने वाले यहाँ शहर के बीचों बीच बसे कारखानों की संख्या 1100 के करीब है और करीबन 25,000 मजदूर रोजाना अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा के इन प्लास्टिक कारखानों में काम करते हैं। एक्चुअली इधर वैसे अथॉरिटी नहीं है, जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहते हैं, जैसे कि इधर सुविधा नहीं है। बोले तो इधर जितने भी 1800 कारखाने हैं इनका परमिशन बिल्कुल नहीं है। काय कसली गाड झाली कॅन्सर? आधी काम करत होते बाबी, पण आता नाही होत, म्हणजे नाही करत। डॉक्टरांना विचारलं कशामुळे झालंय? हा प्लास्टिकमुळे झालं, काम होत नाही। म्हणून मशीनमध्ये हात गेलेला आहे माझा, तर काम होत नाही, त्यामुळे नायलन काम करावं लागलं। अच्छा, प्लास्टिक दाबता दाबता केस घुसी घ्या मालकाने काही भरपाई दिली? नाही, मालक काय भरपाई, दवाखान्यात खर्च करून देतो, थोडी मेडिसिन देतो महिना 15-20 दिवसाचं, त्यानंतर मग आपल्याला उचलावं लागतं सगळं। आम्ही बोललो मालकाला की आम्हाला मास वगैरे दे, तर म्हणतो आता कुठून आणायचं, आता प्रत्येकाला द्यायला कुठं जागलो म्हणे, त्याच्यापेक्षा तुमचं जे चालू आहे कोणी मरत नाही म्हणे, काम केल्यावर करताय तर करा म्हणे। त्याच्यावर आजपर्यंत कोणाला आढळलं नाही। भरपूर लोक असे झाले जखमी पण मालकाला समजत नाही। इन प्लास्टिक कारखानों की वजह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, उनको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। उनके सही जिम्मेदार है यहाँ के प्रदूषण विभाग, यहाँ के प्रशासन। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मालेगांव महामारी का ढेर बन जाएगा। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।